भारत पर महंगाई का डबल अटैक हो सकता है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। ऐसे में यूक्रेन से लगातार विनाशकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं और वहीं इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और अब भारत के लिए ये बुरी खबर है क्योंकि इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, यानी भारत पर महंगाई के अटैक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच 8 दिनों से जंग जारी है। इस लड़ाई के कारण कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। भारत के लिए ये बुरी खबर सामने आई है क्योंकि चुनाव के कारण हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 3 महीने से नहीं बढ़ाए गए हैं। अब चुनाव खत्म होने के 4 दिन बाकी हैं और अंदेशा जताया जा रहा है कि भारत में महंगाई से मोहलत के भी बस 4 दिन ही बाकी हैं। 7 मार्च को आखिरी चरण का मतदान होते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। अब सवाल है कि 3 महीने से जो दाम नहीं बढ़े वो कच्चे तेल की महंगाई के कारण कितना ऊपर जाएंगे और उसकी वजह से महंगाई कितनी बढ़ेगी, यानी भारत पर महंगाई का डबल अटैक होने वाला है और आम लोगों पर महंगाई के इस हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सवाल है कि करीब 5000 किलोमीटर दूर जो लड़ाई चल रही है वो कैसे हमारे देश में लोगों की कमाई पर असर डाल सकती है। इसका सीधा सा जवाब है कि युद्ध के कारण कारोबार पर पड़ने वाला असर, भारत का MSME सेक्टर करीब 11 करोड़ लोगों को काम देता है। इस सेक्टर से जुड़े लोग जो सामान बनाते हैं वो विदेशों में निर्यात होता है। रूस यूक्रेन की लड़ाई के कारण इन दोनों देशों में होने वाले भारत के निर्यात पर असर पड़ सकता है। निर्यात का असर का मतलब है कि उद्योगों को घाटा। अगर सामान बिकेगा ही नहीं तो उसे बनाने वालों की कमाई कैसे होगी। इन दिनों यूक्रेन में चल रही जंग दुनिया के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। वहां पढ़ने वाले भारतीय मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। भारत से हर साल हजारों छात्र MBBS की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं। ये सिर्फ विदेशों में पढ़ने का शौक नहीं है, डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले मिडिल क्लास के छात्रों की मजबूरी है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि WHO के मुताबिक 1000 मरीजों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन भारत में लगभग 1350 मरीजों पर एक डॉक्टर है, यानी यह डॉक्टरों की खासी कमी है। फिर भी छात्रों को भारत के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला नहीं मिल पाता, इसलिए उन्हें अपने घर से दूर रूस यूक्रेन जैसे देशों में जाना पड़ता है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।